नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। किसी ने सच कहा है, जो बच्ची नवरात्रि में पूजी जाती है उसकी ही अस्मिता आम दिनों में लूटी जाती है। आज स्त्रियों की हालत कैसी है ये बात किसी से छिपी नहीं है। आज तो आलम यह है कि स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की कि नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। जिस तरह रक्तबीज को मारने पर 1000 नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे, वैसा ही कुछ बलात्कारियों के साथ हो रहा है। हर मिनट एक बलात्कारी सामने आता है, मगर ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम। और अफसोस कि सरकार भी कुछ नहीं कर रही, जिसका परिणाम है कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो आपको झंझोर देंगी, इंसानियत को शर्मसार कर देंगी और समाज को खुद पर शर्म करने के लिए मजबूर भी करेंगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस देश में ना ही 80 साल की बुजुर्ग वृद्धा सुरक्षित है, ना ही 3 माह की बच्ची, और इसके बीच की उम्र में महिलाओं को नर्क नसीब हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल सोनभद्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपका मन करेगा कि ये सब जानने के बाद संन्यास ले लें। एक 14 साल की मानसिक दिव्यांग बच्ची, जिसे दुनिया की कोई खबर नहीं, जो अपनी जिंदगी जी रही थी, सुने अनसुने किस्से गढ़ रही थी, उसके भी दिमाग में लाखों ख्याल चलते होंगे। मगर एक दिन एक 45 साल का दरिंदा उसकी जिंदगी में आया और उसने उस बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया, कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके जिस्म के साथ खेलता रहा और फिर उसे जहन्नुम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। वो छोटी सी बच्ची जिसने अपना बचपन भी नहीं जिया, वो प्रेग्नेंट हो गई। बच्ची माता पिता के साथ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली स्थित ननिहाल में रहती है। पिता के मुताबिक 4-5 दिन पहले बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे जांच के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। अल्ट्रासाउंड हुआ तो सबके होश उड़ गए। जब माता पिता को पता चला तब तक बच्ची 5 माह की प्रेग्नेंट थी। माता पिता डॉक्टर के पास बच्ची को लेकर पहुंचे, मगर अस्पताल की लापरवाही का आलम भी ये हुआ कि उस बच्ची का गर्भपात खुले ऑटो में ही हो गया। ये सब सुनकर अगर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो जरा रुकिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानने के बाद आप और भी शर्मसार होंगे। जिस हैवान ने बच्ची की जिंदगी नर्क बनाई वो उसका मामा लगता था, बचपन से उसने उसे खिलाया था, लेकिन आज उसकी जिंदगी खिलवाड़ बना दी। हैवान खुद 4 बच्चों का बाप है, मगर उसने ऐसी शर्मनाक हरकत की। बच्ची के माता पिता का क्या कहना है पहले वो सुनिए। हम खेते कियारी हम चल गेली घास काटो, काम धंधा करे चल गेली मर्चा सरचा। तो 14-15 साल का लड़की संग मतलब बलात्कार काम हुआ। लड़की कैसन हो, लड़की के मतलब सही है? जी सही भाई सुन जी, लड़की के लड़की पैदा मतलब भाई नहीं। अच्छा जी, आज कितना दिन पहले बलात्कार हुआ? जी हमके नहीं मालूम चला, हमके बहुत 4-5 महीने के बाद हमके पता चला जी। उनके पेट में एकाएक दर्द भया, तो हमसे लगनी दर्द जब बतावे तो हम ले गई हॉस्पिटल में चेक करेली। जब उनकर जांच भयल तब निकल। अच्छा, तब निकल अस्पताल? जी अस्पताल जी, वहाँ हम अस्पताल नहीं गई, पहले वहाँ गई अल्ट्रासाउंड करेली। तो हम ये लिए तब यहाँ आज दर्द उठल 3 बजे भोर में से। जब 3 बजे भोर में से दर्द उठल तो एम्बुलेंस के यहाँ फोन कर लिया, एम्बुलेंस के यहाँ फोन कर ले तो 3 बजे वही आल हो लेकर भाई ने जिला अस्पताल। 5 महीना से बाद में लड़की के पता चला कि लड़की साथ ऐसा हुआ, तो 5 महीना तक लड़की काहे ना बताइए जी? अब नहीं बतैनी, अब डर नहीं बतैनी का हम कही। लड़की क्या दिव्यांग है? जी हा? जी गुम गुम हो जी, यही वजह से नहीं बता पाई जी। आए थे हम लोड़ी में जिला अस्पताल लेकर लड़की को, उसमें हम भर्ती कराए हैं। इसके बाद वो रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद हम बोले कि ऐसा है कि 1 घंटे बाद हमको रिपोर्ट चाहिए, वो थू वाला कागज। तो हम वो बोले कि नहीं, ऐसा है कि हम
एक घंटे बाद आपको आपसे लेंगे रेफर वाला कागज के थोड़ा हम अपना पैसा के जुगाड़ कर लें, इसके बाद हमको चाहिए। तो बोली कि ठीक है जाओ हम दे देंगे एक घंटे बाद। तो वहाँ से हम चले आए, फिर जब गए आने तो बोली कि हम नहीं देंगे, अब तुम अपने मन से बयान किए हो कि हम प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रहे हैं। आप कहे थे हम प्राइवेट अस्पताल में लेके जाने के लिए? हम नहीं बोले सब। अच्छा, हमारे सामने लिखा भी नहीं था, सिग्नेचर किसी पेपर पे आपसे बनवाया गया? हाँ। क्या कहकर उसी अत्तू पे कि नहीं यहाँ ठीक है हम लेके जाएंगे उधर बेचू में। तो हम बोले कि ठीक है एक घंटे बाद हम हमको पेपर चाहिए, एक घंटे बाद हम निकलेंगे, कोई हमारा या और आ रहा है। और यही कह के हम बाहर निकल गए। इसके बाद फिर गए पेपर लेने, नहीं मिला हमको पेपर। अच्छा, बच्चे को दिखाने आए थे आप, किस प्रकरण में क्या हुआ था इसके साथ घटना? वो इसका पेट दर्द कर रहा था और कुछ ब्लड चल रहा था। अच्छा, इसी अथू में देखा जाए तो इस पूरे मसले में जिला अस्पताल में महिला संबंधित अपराध के मामलों में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। आखिर ऐसी नौबत ही कैसे आई कि बच्ची का गर्भपात ऑटो में ही हो गया? ऐसे कई सवाल हैं जो महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। दर्द से कराहती बच्ची को फर्श पर कई घंटे गुजारने पड़े, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? थाना रॉबर्ट्सगंज पर आज एक प्रकरण आया है जिसमें वादी श्याम सुंदर विश्वकर्मा, जो कि निफ्स गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री, जो कि मानसिक रूप से मूक बधिर है, बोल नहीं सकती है, उसको उनके घर के पड़ोसी ही, जो उसका नाम भागवत है, उसके द्वारा उसके अवैध संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया गया है। उन्हें इसकी जानकारी पहले नहीं थी। 2-3 दिन पहले ही लड़की को पेट में दर्द होने पर उसे डॉक्टर को दिखाया, तब उन्हें पता चली। आज ज़्यादा दर्द होने पर लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे मृत बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके बच्चे का DNA सैंपल भी सुरक्षित रखाया जा रहा है। अभियुक्त तो भागवत की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जल्दी विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो जिस तरह से महिलाओं और बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग की यही पराकाष्ठा है। अपराध की तारीख बदल जाती है मगर तस्वीर नहीं बदलती। हर साल हर दिन एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं और बेटियों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाएगी, अत्याचारों का खात्मा किया जाएगा, उनकी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर धरातल पर सच्चाई की बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ आज महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं, चांद तक अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं, वहीं ऐसी खबरें मन को झंझोर देती हैं, विचलित कर देती हैं। समझना होगा कि यह बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में लड़कियां कितनी महफूज हैं, इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में हर रोज अबोध बच्चियों से लेकर अधेड़ उम्र की महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं और कब तक होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।